यदि आपको खुद का या फिर किसी और का पीएफ अकाउंट में नेशनलिटी अपडेट करना है, चेंज करना है, करेक्शन करना है, तो इसके लिए ईपीएफओ ने एक नई डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट लिस्ट के हिसाब से ही डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, तो ही आपका करेक्शन, चेंज या फिर अपडेट होगा, अन्यथा आपका जो भी चेंज है और रिक्वेस्ट है वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ईपीएफओ ने टोटल 5 टाइप के डॉक्यूमेंट सजेस्ट किए हैं, जारी किए हैं। इस डॉक्यूमेंट को आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जो पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट। यदि आपके पास पासपोर्ट की कॉपी है तो आप ये नेशनलिटी चेंज अपडेट करेक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट बताया गया है, कॉपी ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन PIO, जो कार्ड आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है वो लगा करके अपना करेक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड डॉक्यूमेंट बताया गया है, ये कुछ गिने चुने पर्संस के लिए बताया गया है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि वैलिड लॉन्ग टर्म वीज़ा आपको लगाना है। आपको लॉन्ग टर्म जो वीज़ा होता है वो लगाना है, इसके साथ साथ आपको अपना पासपोर्ट भी लगाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये पासपोर्ट आपका वैलिड भी हो सकता है और एक्सपायर्ड भी हो सकता है। यहाँ पे छूट दी गई है, अगर आपके पास कोई भी एक्सपायर्ड पासपोर्ट है तो उसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ही बताए गए हैं। देखिए, आपको बताया गया है कि ये केवल उन लोगों के लिए है जो लोग अफ़गानिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं और पाकिस्तान से हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन या फिर क्रिश्चियंस जो भी हैं, तो वो एक्सपायर्ड पासपोर्ट लगा सकते हैं। या फिर आप ऐसे पर्सन का चेंज कर रहे हैं जो कि इन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इनके लिए यहाँ पे जो चौथा नंबर है वो बताया गया है। चौथे नंबर में बताया गया है कि आपको वैलिड वीज़ा लगाना है और पासपोर्ट लगाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर पासपोर्ट भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लगा करके अपनी नेशनलिटी में चेंज, करेक्शन या सुधार करवा सकते हैं। अब इसके अलावा जो पांचवा डॉक्यूमेंट बताया गया है तिब्बतियन रिफ्यूजी कार्ड आपके पास है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा करेक्शन करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ पाए होंगे ये 5 टाइप के क्या नए डॉक्यूमेंट ईपीएफओ ने जारी किया है डॉक्यूमेंट लिस्ट। अब इसके माध्यम से ही आप अपने नेशनलिटी में कुछ भी करेक्शन या चेंज या अपडेट करवा पाएंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी आपका बहुमूल्य सुझाव है तो आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।